नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अवर ब्रेन अवर लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे समय की। हमने अपनी लाइफ को, अपने पूरे युग को जिसमें हम जी रहे हैं, उसको डिवाइड कर रखा है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, फिर समझना कि दोनों साइंसेस, साइकोलॉजी और हमारी शास्त्र कैसे एक दूसरे से अटैच है। यू विल फील वेरी हैप्पी। अब हम आते हैं समय पे दोबारा से। समय हमें बचपन से सुनने को आ रहा होगा, पूरा युग चार हिस्सों में बटा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है एज पर शास्त्र। तो सतयुग में क्या चीज अलग होती है और कलयुग में क्या चीज अलग होती है, और साइकोलॉजिकली हम उसको कैसे देख सकते हैं। सतयुग में ऐसा कहा जाता है धर्म के चारों चरण, हम धर्म की डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे। चार चरण का मतलब धर्म की फुल पावर होती है, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, करेक्ट। त्रेता में उसके तीन चरण रह जाते हैं तो धर्म की पावर कुछ कम हो जाती है। द्वापर में फिर उसके दो ही चरण रह जाते हैं तो धर्म की पावर और कम हो जाती है, और कलयुग में सिर्फ एक चरण रह जाता है। तो दिस इज अवर शास्त्र बोल रहे हैं, करेक्ट। अब हम इसको साइकोलॉजिकल समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या, ये ज्ञान क्या है जो इतना डेप्थ है, क्योंकि वो लोग इतना डेप्थ लिखते थे कि उसको समझने के लिए काफी डेप्थ तक आपको जाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती थी, तब कहीं जाके आपको उनकी बातें समझ में आती थी। सतयुग में चार चरण धर्म के होते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारे माइंड दो तरह से हैं, लॉजिकल या कॉन्शियस माइंड, और दूसरा बोलती है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल माइंड, करेक्ट। लॉजिकल माइंड वो है जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आप सारा दिन बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उस सबको स्टोर करता है, उस सबको बैकअप देता है, और कोई भी करेक्शन हमें करनी होती है एज ए साइकोलॉजिकल, जब हमें कोई थेरेपी करनी होती है तो हम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के साथ करते हैं, लॉजिकल के साथ नहीं करते, बिकॉज लॉजिकल ओनली फॉलो द करंट सिनेरियो। कॉन्शियस माइंड या लॉजिकल माइंड जिसको हम बोलते हैं, वो माइंड तीन चार चीजों के साथ काम करता है। टोटल पांच है बट मेन तीन होती हैं, एक तो सुन के, एक आईज यूज करके मतलब देख के, राइट, छू के, कई बार फीलिंग्स चाहिए होती हैं, किसी का कंधा थपथपाते हैं वो चाहिए होती है, सुन के भी करता है, और एक चाट के करता है जिसके हम जीभ का इस्तेमाल करते हैं, यूजली इसका इस्तेमाल नहीं होता, ह्यूमन कभी भी साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल कम करता है, बहुत कम करता है, लेकिन ये साइकोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं, करेक्ट। ये लॉजिकल माइंड के टूल्स हैं, आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स, स्किन, और काइनेस्थेटिक जिसको हम छू के करते हैं, राइट, और चूसना जो जीभ से हम करते हैं, चाटना कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। अगर हम इसे मेन गिने तो तीन हैं, सुनना, देखना और छूना, करेक्ट। चौथे नंबर पे हम सूंघना या स्मेल को भी काउंट कर सकते हैं। अब जो भी थेरेपी होंगी किसी की भी साइकोलॉजी में, वो सबकॉन्शियस माइंड का होगी। दोनों माइंड में फर्क क्या है, लॉजिकल इसके साथ काम करता है, सबकॉन्शियस सारा डाटा स्टोर करता है, लॉजिकल का पूरे डे का डाटा, पूरी लाइफ का डाटा, वहीं से आपको तुरंत कोई भी फ्रेम बन के आता है, आप सडनली बचपन याद करते हैं कैसे थे, तो आपको अपने बचपन की तस्वीर आ जाएगी, निकर में, शर्ट में कैसे लग रहे थे, सब कुछ एक सेकंड में आ जाएगा, वो सब माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो अब हम दोनों थ्योरीज को मिलाते हैं और रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सतयुग धर्म के चार चरण मीन्स सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब हम करेक्शन करते हैं सबकॉन्शियस में, तो सबकॉन्शियस से हम जो इच्छा करते हैं उसको भी अचीव कर लेते हैं, और इसका एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल ये है कि जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं सतयुग लेवल की, तो उसमें होता है उसने शाप दे दिया, उसने वरदान दे दिया, मीन्स क्या है, सबकॉन्शियस ने डिफाइन कर दिया ऐसा होगा तो वैसा होगा, करेक्ट। त्रेता में तीन चरण हो गए, मतलब सबकॉन्शियस वीक कर दिया हमने, लॉजिकल को स्ट्रॉन्ग कर लिया, द्वापर में दो ही चरण रह गए, सबकॉन्शियस और ज्यादा वीक हो गया और लॉजिकल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया।
और कलयुग में हम देखेंगे कि लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और सबकॉन्शियस वीक हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ है, सारी प्रॉब्लम स्टोर होती है सबकॉन्शियस में, लॉजिकल उस प्रॉब्लम को फील करने लगता है और बॉडी में सिम्टम दिखने लगते हैं और हम हमेशा सिम्टम का इलाज करने लगते हैं, यही एक प्रोसेस है। लेकिन सिम्टम से पहले 6-7-8 स्टेप हो चुके होते हैं बॉडी, उसको हम गिनते नहीं। क्यों नहीं गिनते, क्योंकि लॉजिकल स्ट्रांग है, वो तब तक उन पे यकीन नहीं करता जब तक आपको सिम्टम नहीं दिखते। और इसी वजह से, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, इसी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हाई बीपी, हाई टेंशन, शुगर एंड सो मेनी हाई डिजीज, आर्थराइटिस, बहुत सारी बीमारियां। कई लोगों को तो फियर ऐसा लगता है कि दरवाजा बंद होते ही फोबिया लगने लगता है, लिफ्ट में नहीं चल पाते हैं, प्लेन में नहीं चल पाते हैं। ये सब इसलिए है कि सबकॉन्शियस तो खराब होता जा रहा है, आप उसको ध्यान ही नहीं रख रहे, करेक्ट। अब इस पे हम विश्वास नहीं करते क्योंकि इसके लिए कोई मेडिसिन तो चाहिए, करेक्ट। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अल्टरनेट मेडिसिन एक ऑप्शन है। सो मेनी बिग डॉक्टर्स इन यूएस नाउ कन्वर्टिंग फ्रॉम मेडिसिन टू अल्टरनेट मेडिसिन, वो काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, यही एक सही सोल्यूशन है। और हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमें कोई चीज दिखती है सिम्टम तो हम काम करते हैं, नहीं तो हम काम नहीं करते हैं, और उसकी वजह से जो बाकी सारी प्रॉब्लम है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। और फिर हमें क्या कहा जाता है कि कलयुग में अगर आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। कम कंसंट्रेशन से ही, कम मेहनत से ही, सतयुग के लोग तो बहुत मेहनत करते थे क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे, उन्हें बहुत मेहनत इसलिए करनी पड़ती थी कि सबकॉन्शियस को कंट्रोल करके रखना पड़ता था, और आप लोग सबकॉन्शियस को हाथ ही नहीं लगाना चाहते। तो दोनों थ्योरी आके मिल गई, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से आप बात करेंगे आपको समझ में आएगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है सबकॉन्शियस माइंड ही उसका सलूशन देगा, कोई भी थेरेपी होगी सबकॉन्शियस माइंड पे ही होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा सजेशन ये है आपको अपने सबकॉन्शियस के लिए भी काम करना चाहिए, उसका भी रख रखाव कर लो। गाड़ियों का रख रखाव करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, घर का करते हैं, अपना करते हैं, उसका भी थोड़ा सा रख रखाव करिए और वो आपको हेल्पफुल रहेगा। उसका रख रखाव करने से वो बहुत अच्छे से काम करेगा और इम्पैक्टफुल काम करेगा, आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये दोनों थ्योरी का जो सार है वो मैंने निकालने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो हमें ज़रूर लिखें, कोई भी सवाल हो इस बारे में वो भी हमें ज़रूर लिखें, हमारा मेल आईडी नीचे है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, क्या सबकॉन्शियस की क्या पोजीशन है, क्या हम इंस्ट्रूमेंटली चेक कर सकते हैं? आज साइंटिस्टों ने इंस्ट्रूमेंट बना दिए, करेक्ट। और इसमें एक छोटी सी चीज़ लास्ट में और ऐड करना चाहूँगा जाते जाते, पिछले जमाने की अगर कोई भी बुक पढ़ेंगे, सतयुग में जब छाप देते थे तो कैसे छाप देते थे, हाथ में पानी लेते थे एज पर बुक, उस पानी को थ्रो करते थे दूसरे पे या जमीन में डालते थे, तभी वो छाप एप्लीकेबल होता था। आज आपको मालूम है किसी भी एनर्जी किलर पे आप जाएंगे वो आपको दिखाएगा कि पानी में एनर्जी होती है, पानी एनर्जी का कैरियर है। और आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आजकल तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं इसके चेक करने के, यू कैन चेक आल्सो फिजिकली कितनी एनर्जी है, करेक्ट, और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को कितनी तेजी से वो ठीक कर सकता है अगर वो एनर्जी फुल एनर्जी है उसमें और एनर्जी उसकी बढ़ा दी जाए पानी की। देखिए कैसी साइंस है जिसकी ओर अभी हम अग्रसर हो रहे हैं, जो साइंस हम पहले छोड़ के आए थे उसी साइंस को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पर हम रिसर्च कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आप देख पाएं। और जिन लोगों को ये लो एनर्जी फील होने की इश्यूज हैं उनको ज़रूर ये शेयर करें ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।